तुम्हारी वीडियो था पैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। आज आया मेरे पास सोनी का, देख सकते हैं, डिजिट 350 मॉडल, जो कि ब्लूटूथ वाला आया, अभी लेटेस्ट है सोनी का। इसमें एक कॉमन प्रॉब्लम है, या तो हेलो मोड में रहता है या तो इसको इसमें वाइड इंडिकेटर आता है। इसमें देख सकते हैं, अभी इसको प्लग लगाया मैंने, यहाँ पर चालू किया, यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ वाइट इंडिकेटर आता है, या तो हेलो मोड आएगा या तो वाइट इंडिकेटर आता है, कभी कभी हेलो मोड में भी जाता है। तो इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ मैं आपको क्या है। इसमें लगी है रैम आईसी, इसको बंद कर लेते पहला। इसमें वाइट इंडिकेटर या हेलो मोड में सबसे पहले ये तो रैम आईसी चेंज कर दें। इसको अभी हम चेंज करेंगे, अभी शोल्डर मारा है सिर्फ, इसको चेंज करते हैं। एंड अगर नहीं निकला तो अदरवाइज़ इसको चेंज करेंगे। अभी हमने दोनों को शोल्डर मारा है लेकिन रिप्लेस एक को भी नहीं किया, अभी रिप्लेस करके देखते हैं। सो गाइस रैम आईसी को पहले निकाल लेंगे, ऐसी वाले देख सकते हैं, आईसी हमने निकाल लिया अभी। अभी हम इसको रिप्लेस करेंगे, दूसरी रैम आईसी डालेंगे। तो इसको प्रॉपर बिठा लेते हैं आईसी को। तो गाइस इसको करते हैं अभी रेडी। देख सकते हैं हेलो मोड आ गए, ब्लूटूथ पे भी आ गए, एंड ये ब्लूटूथ पेयरिंग के लिए भी चालू हो गया। देख सकते हैं ब्लू लाइट ब्लिंकिंग करना चालू कर दिया। तो गाइस आईसी इंस्टॉल हो चुकी है हमारी इसमें, अभी फिर इसको चालू करते हैं, देखते हैं अभी। सो वैसे देख सकते हैं इसमें अभी पेयरिंग का भी ऑप्शन आ गया, ब्लूटूथ देख सकते, सोनी होम थिएटर लिख के आ गया है सिस्टम। अभी इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं, अब देख सकते हैं ये कनेक्ट भी हो चुका है, हो गया है प्रॉपर कनेक्ट। नए नए वीडियो देखने के लिए, सिस्टम से जुड़े रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। देख सकते हैं हमारे साथ, हमारे पास सभी सिस्टम अवेलेबल है सोनी के, कौन सा भी सिस्टम रहेगा आपका बन जाएगा यहाँ पे सोनी का। ऑल जितने भी 5.1 एंड टावर स्पीकर सब है अपने पास। मुझसे बहुत सारे लोग कमेंट में पूछते हैं मेरा शॉप कहाँ पे है, तो मेरा शॉप यहाँ पे मुंबई में पनवेल में है, एंड पूरा एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रहा हूँ। कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ पार्सल वगैरह भेजना रहेगा वो एड्रेस पर भेज सकते हैं, एंड कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं हमसे। एंड जैसे कि ये मदर बोर्ड आया एलजी का रिपेयरिंग के लिए, तो हम ये रिपेयर करके वापस कुरियर कर देते हैं। डेली हमारे पास 2 से 3 कुरियर आते हैं कंसर्न रिपेयरिंग के लिए, हम डेली के डेली रिपेयर करके एंड कुरियर कर देते हैं। अगर कुछ भी आप करेंगे, अगर बड़ा रहेगा प्रॉब्लम, तो आप भेज सकते हैं, डायरेक्ट कुरियर कर सकते हैं, या तो पूरा सिस्टम भी भेज सकते हैं, या तो सिर्फ बोर्ड निकाल के भेजेंगे तो भी हम रिपेयर करके दे देंगे। थैंक यू सो मच।